एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करेला फ्राई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये रेसिपी आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। और ये एक लंच बॉक्स रेसिपी है, आप इसे टिफ़िन में पैक करके दे सकते हैं पूरी पराठे के साथ। तो यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं और उनको इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। और एक बड़ा चम्मच नमक डाल के मैंने इसको इस तरह से हाथों से रब कर लिया है। और अब इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। और आधे घंटे बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश करके और हाथों से स्क्वीज करके अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी फिर हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम करने के लिए रखते हैं। करेले को हमें फ्राई करना है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेंगे। करेले को हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करेले को अच्छी तरह से वॉश करके ले लिया है और ये इस तरह से आपको स्क्वीज़ करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। तो इस तरह से हाथों में लेके बहुत अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है, स्क्वीज़ कर लेना है। और ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। ऑयल मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से गर्म करना होता है पहले। अब इसमें हम ये करेले फ्राई करने के लिए डाल देंगे। सारे करेले मैं एक साथ डाल रही हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम करेले हैं, यानी कि 250 ग्राम्स करेले हैं। इनको मैंने स्लाइस में कट किया है पहले, और उसके बाद नमक लगा के आधे घंटे के लिए रखा है। और उसके बाद मैंने इसे हाथों से रब करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसके बीज को, जो इसके सीड्स होते हैं, उनको भी निकाल दिया है। और अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो इसको हमें डीप फ्राई करना है। इस तरह से आप करेले बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो बस इसे फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमें करेले को इस तरह से फ्राई करना है, बिल्कुल कड़क, बिल्कुल कुरकुरा सा करना है। ये देखिए, इस तरह के आपके करेले हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। करेले हमने निकाल लिए हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। अब हम बचे हुए ऑयल से थोड़ा ऑयल निकाल देंगे और थोड़ा सा रखेंगे कढ़ाई में। अब इसमें हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उसके बाद ऑयल हमारा गर्म ही है, थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं इसे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें एक चम्मच सौंफ ऐड करेंगे और इसके बाद 1/4 टीस्पून मेथी दाना और बिल्कुल थोड़ा सा ही 1/4 टीस्पून हम इसमें ले रहे हैं कलौंजी। आधा चम्मच इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, यानी चुटकी भर हींग ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे इसमें। ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म है तो जीरा डालते ही एकदम से इसमें चटकने लगेगा। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है, बारीक पतले पतले स्लाइस में मैंने काट लिया है। ये दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इसको अब फ्राई करेंगे हम। तो लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमने तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम करेले लिए हैं और उसमें दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इसको मैंने बारीक स्लाइस करके यहाँ ऐड किया है। तो प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक काट के ऐड करेंगे। और अगर छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो दो टमाटर आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। अब इसमें हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1/4 टीस्पून, 1 छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, मिक्स करेंगे इसे। साथ ही में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। तो बिल्कुल मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, आधे चम्मच से भी कम, क्योंकि हमने करेले में भी नमक लगाया था तो उसको मैंने वॉश कर लिया, लेकिन फिर भी रह जाता है उसमें नमक, तो नमक आप थोड़ा कम डालें।
अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लिया है मैंने कवर करके, जिससे हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। ये देखिए, तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो फ्राई किए हुए हमारे करेले हैं वो ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और मिक्स करेंगे इसे। थोड़ी देर हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए चलाते हुए पकाएंगे, और उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, यानी ड्राई मैंगो पाउडर। अगर आपके पास कच्ची आमी है तो आप उसको भी बारीक स्लाइस करके ऐड कर सकते हैं, छोटा छोटा काट के, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आमी नहीं है तो आप 1 चम्मच यहाँ पे मैंगो पाउडर, यानी ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर आप ऐड कर दें, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है हमारे करेले के अंदर। तो बस इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, जिससे हमारे करेले थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने 3 मिनट के लिए पका लिए हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे, और देखिए ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, तो इसका मतलब हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है। फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे कवर करके रख देंगे थोड़ी देर, और उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। तो 3-4 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है और अब इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे करेले बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं, और ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, और उतने ही खाने में टेस्टी होंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।